नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बाबा की नगरी बनारस में है और आज बहुत ही शानदार गाने की लॉन्चिंग भी हुई, लहर उठे। लेकिन उसके साथ साथ खेसारी जी के एनिवर्सरी पर भी बहुत बड़ा मस्ती हुआ, जश्न मना। और अब हमारे साथ मेहमान के तौर पर राइटर अखिलेश कश्यप जी जुड़ रहे। पहले स्वागत करते हैं, बहुत स्वागत। सबके प्रणाम बा हमारे अंकित भैया के, मनचाहा न्यूज़ देखे वाला श्रोता लोग, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्य प्रयोजन में आए। और आप आए तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। भैया बहुत मज़ा आया, पहली बार देखने को मिला कि लाइव एनिवर्सरी जिस तरह से आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, काफ़ी मज़ा आया। स्टारों के ऐसे देखने को नहीं मिलती है, आपको कितना अच्छा लगा कि इस तरह की पहली बार हुई है? बहुत अच्छा लगल, और सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद देव अपने ब्लू बीट चैनल के मालिक ईशान पाजी विवेक भैया के, कहे से कि इशारा ऑर्गेनाइज कर लूँ सबके रहा। तो बहुत अच्छा लगा आज कि एक साथ हम लोग डबल इन्जॉय किए, गाने भी लॉन्च किए, गाने के साथ भी मस्ती की, और सबसे बड़ा चीज़ कि सुकून से आज बहुत भीड़ भाड़ नहीं था तो आराम से हम लोगों ने किया। जी भैया, बात कर लेते, कल आप लाइव स्ट्रीम में आए थे और काफ़ी हंगामा देखने को मिला। अक्सर आप इस तरह से नहीं आते हैं, इतनी गुस्सा नहीं जाहिर करते हैं, लेकिन कल की जो आपकी लाइव सेशन थी वो काफ़ी गुस्सा जाहिर। देखिए अंकित भाई, बात यह है ना कि एक बर्दाश्त की भी सीमा होती है, और उस हर लिमिट को उन लोगों ने क्रॉस कर दिया है। मेरे बारे में हमेशा उल्टा पुल्टा, खेसारी भैया के बारे में, विवेक जी के बारे में, इवन कि उन लोगों ने भैया का तुलना एक कुत्ते से कर दिया। बताइए, एक भोजपुरी का बेटा जो भोजपुरी के लिए इतना कुछ मेहनत कर रहा है, और उसका आप कंपेयर, उसकी तुलना आप एक कुत्ते से कर रहे हैं, और वो भी कौन कर रहा है जिसको आप दिन रात लेके साथ घूमते हैं। अगर कोई एक ऐसा इंसान होता जी जो आपके साथ नहीं रहा, जो आपके साथ रहता है उसको लेके आप ये सब बुलवा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसका मतलब कि आपको ये सब अच्छा लगता है कि लोग आपको गालियाँ दें, लोग आपको बोले तो आपको अच्छा लगता है? तो आप खुद सोचिए कि आप जैसे आपके यूट्यूबर आपके साथ रहने वाले लोगों ने बोला, काश कि दूसरा हमारे भी कोई यूट्यूबर आपके बारे में उल्टा बोले, तो आपको तो नहीं गुस्सा होना चाहिए, आप इंजॉय कीजिएगा उसमें। तो इस चीज़ों को देख के मुझे बुरा लगा, और उनका एक और भाई कोई है, नाम नहीं रखना चाहते हैं, वो भी मुझे लाइव आके बहुत उल्टा पुल्टा बोला था कि पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या है, तुझे लिखने नहीं आता है, ऐसे बात किया था। तो गुस्से में तो थे ही बहुत सारे लोग, ने बहुत दिन से देख रहे थे, और अब ऐसा ही होगा, अब जिस तरीके से हमें बोलेंगे वो लोग उस तरीके का जवाब पाएंगे। कल की एक वीडियो में हमने देखा कि पावर स्टार पवन सिंह जी थे, वह हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी को सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप आइए सामने से फरियाइए। एक सुपरस्टार को क्या इस तरह की लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए भोजपुरी में अभी रहिए गई बात, आप देखिए लोगों को लगता है ना कि यहाँ पे वो बड़े हैं, वो हमारे सीनियर हैं, तो वो गलतियाँ नहीं कर सकते, लेकिन गलतियाँ उधर से ही बार बार होती है, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए अगर इधर से भी गलतियाँ हों, इधर से भी आपके जवाब दिए जाएँ, तो आपको तकलीफ़ नहीं लगना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि फरिया लेंगे, मिल सामने से बोलो, तो आप भी सामने आके बोल दीजिए। अरे आप बड़े हैं, आप ज़्यादा पावरफुल हैं, तो आप जाके बोल दीजिए सामने से, आप भी बिल्कुल। जब भोजपुरी में यही करना है, यही रह गया है, तो यही कर लीजिए। तो ये मायने नहीं रखता है, इंसान को आपको ओहदा बड़ा है, आपको ये लोग थोड़े दिन के लिए ऐसे करवा रहे हैं, इससे आपको बहुत लॉस होने वाला है। इवन कि आपको, आप एक राजनीतिक शैली भी आपका, आपके जीवन में एक राजनीतिक चीज़ें आ गई हैं, उस पर आपको बहुत प्रभाव पड़ेगा इस टाइप की अगर हरकतें होती हैं, तो आप छीछा लेदर ना करें और ना करवाएं। जी जी, आपकी लेखनी पे कई बार लगातार सवाल उठे, इससे पहले भी हम कई बार इंटरव्यू में मिले हैं तो आपकी लेखनी पे बात हुई है, लेकिन लगातार बार बार आपकी लेखनी पे सवाल, और कई बड़े हिट गाने रहे हैं, तो क्या आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? अब देखिए, अब तो ये कॉल गई बाब, हमारा लेखनी पर लोग बोला था लोग कि हमारा लिखे नहीं क्या, हम तोहरों के तो लिख के दिले रही, वो घड़ी ना लिखे आओ तू या वो चोरी के हुई, तारा के देनी तो बढ़िया हो गई, आ बाकी भी स्टार के लिख के देता नहीं बाजा तो वो ठीक है, सिर्फ खेसारी लाल के हम चोरी के गाना दे देता नहीं, हमारा खेसारी लाल यादव के लिखते हैं तो लिखे नहीं क्या, हमारा बुझाता कि 1,500 से 2,000 गाना भोजपुरी में लिख दे, 1,500 से तो ऊपर ही गाना हो, जान लीजिए जब से हम लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं, और कतना हमारा गाना हिट भाई, हम खुदे भूला जिला हूँ,
इतना हमारे दर्शकों ने हमारे गाने को हिट कराए, तो एक लोगों को कहने से कि उनको लिखने नहीं आता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं, चाहे वो मेरे फॉलोअर हो या मेरे जो ऑफिशियल यूट्यूब हो उसके सब्सक्राइबर हो या मेरे इंस्टाग्राम के हो, वो बहुत काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो प्यार करने वाले मुझे मिलियन में लोग हैं, तो मुझे एक दो लोग का विरोध करने से कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। भैया, सावन की सीज़न शुरू होने वाली है और जब जब अन्नपूर्णा फिल्म आती है तो एकदम धमाका करती है, माहौल बना देती है, तो क्या इस बार सावन की विशेष तैयारियां आपकी क्या क्या है? बिल्कुल, इस बार सावन 110% बजेगा और इस बार मजबूर कर देंगे, नचाएंगे खूब दबा के, डीजे वाला एक गाना और स्टार्टिंग गाना हमारा वहीं बना और हम लोग बनाए उसी दिन ये रियलाइज हो गया कि ये गाना बजेगा। जैसे हम कोई गाने कुछ गाने बनाए हैं ना, तो मुझे पहले ही लग जाता था, जैसे दो रुपया हुआ, ललका टी शर्टवा हुआ, झगड़ा हुआ, हर्दी हुआ, ये सब गाने जब बनाते हैं ना तो बनाते टाइम ही लगता है कि ये हिट है एकदम, मतलब वो अंदर से हमारा कॉन्फिडेंस बोल देता है। तो इस गाने पे भी हमारा कॉन्फिडेंस बनाया और हम लोग डांस करने लगे, तो मुझे लगता है कि वो गाना हम पहला अपने कंपनी से रिलीज करेंगे और गाना बहुत बड़ा हिट होने वाला है, मज़ा आएगा। डुएट गाना है और उसको डांसिंग मोड का बनाया है, बहुत अच्छा लगेगा, भक्तिभाव भी उसमें देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा गाना है। अभी एक सवाल अपने तरफ से हम करना चाहेंगे, इतनी गानों की आंधी तूफान थी, आप उसमें आते हैं और सब आंधी तूफान को चीरते फाड़ते हैं, ललका टी शर्ट वर्क लेकर आगे निकल जाते हैं, एक ऐसी करामात कहाँ से आप लेकर आए? देखिए, हमनी के गाना कौनो भी हमार लिखल खास करके खेसारी भैया क्या वेला तो त्यौहार टाइप के लागेला, पूरा वो दो चार दिन यूट्यूब फेसबुक जगमगात रहेला, दिवाली टाइप के ऐसा लगता है कि कुछ मतलब रिलीज हुआ है, मतलब कायदे वाले बहुत गाना कम हम लिखिला और कम रिलीज करेला, लेकिन जो भी आता है बहुत तगड़े आते हैं और बहुत मजबूती के साथ हम लोग गाने को करते हैं। बिल्कुल अच्छा लगा भैया बातें करके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना? बस ये भी जाते हैं तो जेन्युइन बातें करते हैं, यहाँ भी आते हैं तो ये जेन्युइन बातें करते हैं, तो ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, ऐसे ही यूट्यूब चैनल की ज़रूरत है जो सबके भोजपुरी के बारे में बातें करें। और मैं दिल से आप पे बहुत खुश रहता हूँ, मैं आपका दिल से बहुत सम्मान करता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इनको अभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते, इनसे जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने बेहतरीन सफल देने के लिए, अपकमिंग अपडेट के लिए तैयार रहिए और जो भी धमाका होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।